ऑनेस्टली बताऊं कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की थी, सो वो जो वो ब्राइड वाली फीलिंग थी, शादी वाली फीलिंग वो तो आज ही आ रही है, और मैं रेडी भी ब्राइड की तरह ही हुई हूँ. सो फीलिंग सो गुड एंड थोड़ा सा इमोशनल भी. एंड काफ़ी एक्साइटेड हैं हम, एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए हमें. इसके बिना तो हमारी लाइफ का आगे का जर्नी थोड़ा सा वीक हो सकता है. नहीं नहीं नहीं, हमारा किसी वजह से वीक नहीं होगा. वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, बड़े सेलिब्रेशंस हुए हैं लाइफ में, अचीवमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो फीलिंग है वो अलग ही है. आई कांट इवन एक्सप्लेन. मतलब आपके सारे फ्रेंड्स और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं फॉर दिस स्पेशल ओकेजन. सो मच लव, केयर. और अभी जो आए, नरेश जी भी आए, दिलीप जी भी आए, एंड राज सर आए. वी आर सो ब्लेस्ड कि सब लोग आए हैं हमें विश करने के लिए. इवन रामशंकर जी आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. उनका डेब्यू एल्बम मैंने किया था, मतलब मेरा डेब्यू एल्बम, उनका तो एल्बम था, मेरा डेब्यू था. तो काफ़ी खुशी हो रही है उन सबके आने से. रितु एंड अंकुर, फॉर अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड ऑल द बेस्ट विशेस. और बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड शी इज़ डन सो वंडरफुल वर्क. शी इज़ डूइंग सो वंडरफुल वर्क ऑलरेडी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत जल्दी भाग भाग के आई हूँ. आई वॉज शूटिंग फॉर समथिंग एल्स, और मेरा मन तो था कि मैं पहले से आऊँ, बट आई एम रनिंग एट द लास्ट मोमेंट. बट ऑनेस्टली आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर देम, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम. अभी तक तो मैं मिली भी नहीं हुई. आई वांट टू मीट देम एज सून एज पॉसिबल. ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे एंड विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे अंकुर मल्होत्रा और रितु चौहान की शादी के रिसेप्शन में आया हूँ मैं, उन्हें मुबारकबाद देने, उन्हें शुभकामनाएं देने. फॉर देम एंड गॉड ब्लेस देम एंड विश देम अ ग्रेट लाइफ, ग्रेट मैरिड लाइफ अहेड. और भगवान से ही प्रार्थना है कि वो खुश रहें. और रितु चौहान जी को, हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ. तुम अगर अंधेरों में, ना छोड़ना मेरा हाथ.